डिस्क्लेमर, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत और टाइम लगा है और इस वीडियो को मैं आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो इसको लिखने में और एडिट करने में बहुत टाइम और मेहनत लगी है और इस बीच मेरा एक कॉलेज में टेस्ट भी है, तो मेरी मेहनत को देखते हुए भाई इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। हमेशा नेट के अपोजिट साइड हूँ। काफ़ी प्लेयर ये गलती कर देते हैं कि अगर उन पे कोई प्लेयर नेट करता है जिस डायरेक्शन से नेट आ रहा है वो उसी डायरेक्शन से जाते हैं। हमेशा नेट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। अगर नेट राइट को जा रहा है तो आप लेफ्ट जाओ, और अगर नेट लेफ्ट से आ रहा है तो आप राइट को जाओ। इससे क्या होगा, आप आसानी से नेट से बच जाओगे। जब भी आप पे स्नाइपर हो तो हमेशा मैप के थोड़े हाइट पर रहा करो। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा और हेडशॉट मारने में भी आसानी होगी। और इसी के अपोजिट अगर आपके कोई शॉर्ट रेंज गन लाइक शॉर्ट गन, फ्लेम थ्रोअर या ऐसी कुछ गन है तो आप ग्राउंड पर फाइट लिया करो एकदम नीचे। उससे क्या होगा, आप थोड़ा क्राउच करने में आसानी होगी और कवर लेने में भी आसानी होगी। जब भी आप स्नाइपर आउटपोस्ट या कोई भी मैच या 1v1 करो और अगर एनिमी नीचे ग्राउंड पे क्राउच किया हुआ है और आप उसके ऊपर थोड़ा हाइट पे क्राउच किए हो तो हमेशा एनिमी के चेस्ट के लिए एम करा करो। उससे क्या होगा, काफ़ी देर जो है ये गलती करते हैं कि वो हेड पे एम करते हैं जो कि शॉट एनिमी को लगता नहीं है, क्राउच पोजीशन पे लगता ही नहीं है। भाई मैंने भी कई बार मारा है, नहीं लगता। तो क्या करा करो, उसके चेस्ट पे एम करा करो जब जो एनिमी है क्राउच करा हुआ हो। उससे 90% चांसेस होते हैं कि शॉट उससे लग जाए। 3 फिंगर खेलने की कोशिश करा करो। अगर आप 2 फिंगर खेलते हो तो कोशिश करो कि 3 फिंगर खेलने की। इससे आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। जब आप फायर करो तो साथ में जो मेले का बटन होता है ना उसे भी यूज़ करो और एनिमी को काफ़ी जल्दी आप इससे किल कर दोगे। और इसका जो एडवांटेज, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है वो क्लोज रेंज फाइट में होगा, और मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। काफ़ी जल्दी आप एनिमी को ईजिली किल कर दोगे। थोड़ा सा गन्स के बारे में भी जान लो। EMP5 जो गन है वो आपको 12 बुलेट्स में किल कर देगी, वहीं AK-47 जो है वो आपको 10 बुलेट्स में किल कर देगी, और AR-15 जो गन है वो आपको 9 बुलेट्स में किल कर देगी। UZ जो गन है वो आपको 10 बुलेट्स में किल कर देगी, वहीं जो गन है मैगनम वो आपको 3 बुलेट्स में किल कर देगी। टैवॉर जो गन है वो आपको 8 बुलेट में किल कर देगी, और वहीं Tech-9 जो है वो आपको 10 बुलेट्स में किल कर देगी, और XM8 जो गन है वो आपको 8 बुलेट में किल कर देगी। सबसे हैरानी वाली बात भाई ये है कि EMP5 जो गन है वो आपको 12 बुलेट्स में किल कर देगी, वहीं UZ जो है भाई अपनी UZ वो आपको 10 बुलेट्स में किल कर देगी। अब मैंने भाई काफ़ी बार ये ट्राई करा, मतलब काफ़ी टेस्ट करे इसके ऊपर कि भाई कैसे कर देगी। फिर उसके बाद भाई रीज़न यही है कि मतलब जो सच्चाई है वो यही है कि जो EMP5 वो 12 बुलेट्स में किल करती है, वहीं UZ जो है वो 10 बुलेट्स में किल करती है। अब पावरफुल आप समझ ही गए होगे कौन सी गन है। अगर एम आपका अच्छा है तो आप UZ से EMP वाले बंदे को भी किल कर सकते हो। बाकी वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगा आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट में ज़रूर बता देना। वो वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगी है, तो ज़्यादा लाइक ज़रूर कर जाना।